बहुत से लोग दान को लेके कंफ्यूज होते हैं कि किस ग्रह का ध्यान में संपूर्ण रूप से क्या सामग्री होनी चाहिए, कैसे वो दान पूरा होगा, जैसे कि सूर्य का दान है या चंद्रमा का दान है, मतलब सूर्य शांति का दान है या चंद्र शांति का दान है, वो आपको कैसे करना है, या नव ग्रहों का दान आपको कैसे करना है। तो आज के वीडियो में यही जानकारी मैं आपको देने जा रही हूँ। तो हो सकता है, मतलब संभवतः है आपको ये वीडियो पसंद आना चाहिए, और मैं तो ऐसा समझती हूँ ये बहुत काम का है आपको ये वीडियो, और इसको आपको शेयर भी करना चाहिए, क्योंकि शेयर करने से बहुत से लोगों तक आपकी मेरी जानकारी आप तक पहुँचती है, और आप वो जानकारी दूसरे लोगों तक पहुँच जाते हैं। तो ये जानकारी शेयर ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि ये जनहितार्थ बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। और मैं डॉक्टर उमाश्री हूँ, आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए मित्रों, और ऑल पर क्लिक करिए, जिससे कि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। आइए ज़्यादा देर ना करते हुए मूल विषय पर आते हैं, और आपको बताते हैं कि आपको किस ग्रह के निमित्त क्या दान करना चाहिए। जैसे कि जिस ग्रह की दशा चल रही है, और अगर वो आपकी राशि में नीच राशि में है, तो आपको वो उसको दान से मनाना चाहिए। दान अगर नीच का ग्रह है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप वो दान कर सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह तो ये है कि ज्योतिष को अपनी जन्म पत्री जरूर दिखाएं, और उनसे सलाह जरूर लेवें, जिससे कि आपको सही जानकारी मिल सके। यहाँ मैं आपको सिर्फ और सिर्फ विधान बता रही हूँ दान करने का, और ये दान आपको करना कैसे है या आपको सामग्री कैसे लेनी है, ये मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन और डिटेल जानकारी के लिए आपको चाहिए कि आप मुझसे भी सलाह ले सकते हैं, और नियरेस्ट भी आपको जो ज्योतिषी रहते हैं उनसे भी सलाह ले सकते हैं, क्योंकि हर किसी के लिए कोई ग्रह शुभ होता है और कोई ग्रह अशुभ होता है, लेकिन आपको नहीं पता होता। मतलब ऐसा नहीं हो कि आप शुभ ग्रह का तो दान कर दें और अशुभ ग्रह का दान ना करें, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मेरे आपसे निवेदन है कि आप सबसे पहले जानकारी हासिल करिए। लेकिन आपको नीच का ग्रह है आपकी कुंडली में, और वो आपको अशुभ फल दे रहा है, वो दिन आपका अच्छा नहीं जाता है, तो आप मतलब दान कर सकते हैं इसका। तो आइए जानकारी शेयर करती हूँ, और आपको बताती हूँ कि कौन सा ग्रह आपके लिए अशुभ होता है और कौन सा ग्रह आपके लिए शुभ नहीं होता है। ये जानकारी मैं आपके लग्न के हिसाब से दे रही हूँ, तो आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आप जान पाएंगे कि आपको किस ग्रह का दान करना चाहिए। लेकिन फिर भी मेरी सलाह ये है कि ज्योतिषी से सलाह लिए बगैर आप ये काम नहीं करें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रारंभ करती हूँ मेष लग्न से। मेष लग्न वालों को बुध ग्रह का दान करना चाहिए, वृषभ लग्न वालों को मंगल ग्रह का दान और बृहस्पति का दान करना चाहिए, मिथुन लग्न वालों को मंगल ग्रह का दान करना चाहिए, कर्क लग्न वालों को बुध और शनि ग्रह का दान करना चाहिए, सिंह लग्न वालों को शनि ग्रह का दान करना चाहिए, कन्या लग्न वालों को मंगल ग्रह का दान करना चाहिए, तुला लग्न वालों को बृहस्पति ग्रह का दान करना चाहिए, वृश्चिक लग्न वालों को बुध ग्रह का दान करना चाहिए, धनु लग्न वालों को शनि ग्रह का दान और राहु का दान करना चाहिए, मकर लग्न वालों को बृहस्पति ग्रह का दान करना चाहिए, कुंभ लग्न वालों को बृहस्पति ग्रह का दान करना चाहिए, मीन लग्न वालों को सूर्य ग्रह का दान करना चाहिए। तो ये तो मैंने आपको जानकारी दी कि किस लग्न वालों को किस ग्रह का दान करना चाहिए, लेकिन अब आपको मैं बताती हूँ कि किस ग्रह का आपको दान करना चाहिए, मतलब किस ग्रह का दान के लिए आपको क्या सामग्री लेनी है, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे सूर्य के लिए क्या लेना है, चंद्रमा के लिए क्या लेना है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदे में रहेंगे। और हाँ, ये धनु लग्न वालों को चंद्रमा का भी दान करना चाहिए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, और आपको बताते हैं कि आपको किस ग्रह का दान में क्या चीज़ें आपको दान करनी चाहिए, जिससे कि वो संपूर्णता को प्राप्त हो सके। सूर्य ग्रह से प्रारंभ करते हैं। सूर्य की शांति के लिए आपको गेहूं दान करना चाहिए। आप लाल या पीली गाय का भी दान कर सकते हैं, अगर सामर्थ्यवान है तो। वैसे शास्त्रों में कलर का वर्णन नहीं किया गया है, किसी भी रंग की गाय आप दान में कर सकते हैं, काली गाय भी दान कर सकते हैं। मतलब आप अपनी कुंडली के हिसाब से खुद देखिए कि आपको किस ग्रह की मतलब शांति करनी है, और किस मतलब कैसी गाय का दान करना है।
गुड़ का दान करना चाहिए, तांबा दान करना चाहिए, थोड़ा सा स्वर्ण का दान करना चाहिए, लाल कपड़ों का दान करना चाहिए, लाल चंदन का दान आप कर सकते हैं, माणिक्य का दान आपको करना चाहिए। आइए चंद्रमा की बात करते हैं, चंद्रमा के शुभत्व के लिए या शुभत्व आपको मिल सके और नकारात्मक रिजल्ट आपको नहीं मिले तो इसके लिए आप क्या दान करें। चंद्रमा की शांति के लिए चावल, कपूर, मिश्री, शंख, चांदी, श्वेत चंदन, चीनी, मोती, सफ़ेद बैल, इनका दान करना चाहिए। आइए मंगल ग्रह की शांति के लिए किसका दान करना चाहिए अब बताती हूँ। तांबा, सोना, गेहूँ, लाल चंदन जिसको रक्त चंदन भी बोलते हैं, लाल वस्त्र का भी दान कर सकते हैं, लाल पुष्प दान करना चाहिए, केसर का दान करना चाहिए, मसूर की दाल भी दान करनी चाहिए, प्रॉपर्टी यानी ज़मीन का दान करना चाहिए। आइए बुधवार की बात करते हैं, बुधवार बुध ग्रह की शांति के लिए किसका दान करना चाहिए। कांसा, हाथी या हाथी की स्टैचू भी दान कर सकते हैं, हरा वस्त्र लेकिन मरगज के बनी हुई कोई बॉल हो तो आप वो दान कर सकते हैं, साबुत मूंग का भी दान आप कर सकते हैं, खिचड़ी का भी दान कर सकते हैं। तो बुधवार के व्रत में मतलब बुधवार के लिए आपको बुध ग्रह की शांति के लिए आपको बुध ग्रह की कारक चीज़ों का ये दान करना चाहिए जो मैंने अभी आपको बताया। आइए बृहस्पति की शांति के लिए किस चीज़ का दान करते हैं ये बताती हूँ। पीला वस्त्र, स्वर्ण, हल्दी, चने की दाल, गुड़, अश्व, धार्मिक पुस्तक, नमक, शर्करा, इसके अलावा आपको भूमि भी दान करनी चाहिए। किसी मंदिर के लिए आप भूमि दान करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको बृहस्पति का अच्छा फल मिलता है। आइए आपको बताते हैं अब शुक्र की शांति के लिए क्या दान करना चाहिए। शुक्र की शांति के लिए चावल, चांदी, घी, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद चंदन, जरकिन, हीरा, ओपल, चीनी, सफ़ेद गाय और भूमि का दान करना चाहिए। यहाँ भी गाय का रंग नहीं लिखा है लेकिन सफ़ेद गाय शुक्र ग्रह का प्रतीक होती है तो आप शुक्र ग्रह के लिए शांति के लिए सफ़ेद गाय की सेवा भी कर सकते हैं और सफ़ेद गाय का दान भी कर सकते हैं। जैसी आपकी आर्थिक स्थिति हो उसके अनुसार आपको निर्णय लेना चाहिए। आइए आपको बताती हूँ शनि ग्रह की शांति के लिए आपको किस चीज़ का दान करना चाहिए। तिल, उड़द, काली भैंस, यहाँ भी भैंस का कलर नहीं लिखा है लेकिन आपको मतलब शास्त्रों में जो मैं अध्ययन कर रही हूँ उसके अनुसार भैंस तो काली ही होती है, काली छतरी का भी आप दान कर सकते हैं, नीलम, कटेला, काली गाय का भी दान कर सकते हैं, काला पुष्प। तो शनि शांति के लिए इस चीज़ का दान करना चाहिए। तिल भी आपको काले लेना चाहिए, इसके अलावा लोहा, तवा काले मतलब जूते, छतरी काली छतरी, इन चीज़ों का भी दान करने से शनि शांति होती है। अब आपको बताती हूँ राहु की शांति के लिए किस चीज़ का दान करें। अभ्रक का दान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, लोह का दान करें, छींट वाला नीला वस्त्र दान करते हैं तो राहु की शांति होती है, खोल वाला यानी जटा वाला नारियल दान करने से भी राहु की शांति होती है, सात तरह का अनाज दान करने से राहु शांत होता है। तो इन चीज़ों का दान आप राहु के लिए कर सकते हैं। अब आपको मैं बताती हूँ केतु के लिए क्या चीज़ दान करें। तिल का दान करना केतु को शांत करता है, इसी प्रकार से कंबल का दान भी केतु की शांति के लिए किया जाता है, ध्वजा का दान भी केतु की शांति के लिए किया जाता है, सात रंग का डोरा भी केतु को शांत करता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी काम का होगा। दान देने के लिए लेफ्ट हैंड का प्रयोग आपको करना चाहिए और लेफ्ट हैंड से दान देना चाहिए और जिस ग्रह का दान करना चाहिए उस ग्रह का दिन चुनें, मतलब जैसे सूर्य के लिए रविवार, चंद्रमा के लिए सोमवार, मंगल ग्रह के लिए मंगलवार, बुध के लिए बुधवार, राहु के लिए भी आप बुधवार का चयन कर सकते हैं, केतु के लिए गुरुवार अच्छा रहता है दान करने के लिए, इसी प्रकार से बृहस्पतिवार का दान भी आपको गुरु ग्रह का दान भी आपको बृहस्पतिवार को करना चाहिए, शुक्र ग्रह का दान आपको शुक्रवार को करना चाहिए, शनिवार को आपको शनि ग्रह का और राहु ग्रह का दान करना चाहिए, इसकी शांति आपको करनी चाहिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर ज़रा सा भी पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना,
शेयर करने से आप सबका सबकी दुआएं लेते हो, सबका भला करते हो। तो शेयर ज़रूर किया करो वीडियो, और कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे कमेंट भेजा करो। आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं, और इसी प्रकार से आप मुझसे परामर्श लेते रहिए। परामर्श मुझसे भी ले सकते हैं और मेरे हस्बैंड से भी ले सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू आप हम दोनों से संपर्क कर सकते हैं। तो आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।